सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बिग बॉडी ब्लॉग्स। और सुबह सुबह दूसरे दिन अपन पहुंच गए फिर से सलमान भाई के घर के आगे। और इतना दूर बैठा हूं मैं यहां से, वो सामने सलमान भाई का घर, और बहुत ज़्यादा दूर हूं क्योंकि अभी स्टार्टिंग में ही कोई प्रॉब्लम कर दी तो फिर मेरे लिए दिक्कतें बढ़ जाएगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और वो सामने देखो शिप, समुद्र के अंदर बहुत प्यारी प्यारी शिप दो जो चल रही है वेल की तरह, मज़ा आ रहा है ना भाई। तो भाई साहब जो भी मेरे इंस्टाग्राम पे भाई हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सलमान खान करके, बींग सलमान खान करके एक आईडी है सलमान सर की, वो जाके तुम मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, स्पैम कर दो भाई, मज़ा आ जाएगा यार। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू मैं उन तक बात पहुंचा सकता हूँ, और 99% मेरा ध्यान उधर उस गेट पे रहता है कि भाई कब वो निकलेंगे और कब मैं जाकर उनके सामने ये बोर्ड दिखाऊं कि भाई मैं बिग बॉस OTT में आने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। और संघर्ष भी ऐसा जो कि मैं कल स्टार्टिंग से दिखा दूंगा, क्योंकि दो दिन हो गए मैं वो चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ जो मेरे को दिखानी चाहिए। ठीक है, मैं निकलता हूँ सुबह अपने घर से मेट्रो स्टेशन के लिए। ठीक है, मेट्रो स्टेशन से मैं आता हूँ ये यहाँ पे अंधेरी मेट्रो स्टेशन, पहले JP नगर से निकलता हूँ, फिर आता हूँ अंधेरी मेट्रो स्टेशन, फिर अंधेरी से एक लोकल ट्रेन लेता हूँ, वहाँ से आता हूँ मैं बेंड्रा से फिर मैं रिक्शा लेता हूँ, रिक्शा लेके आता हूँ मैं यहाँ पे। मतलब इस पूरे जो ये सर्कल है ना, ये मतलब जो घूम रहा है ना, जो सुई है स्टार्ट होती है वहाँ से और यहाँ आगे रुकती है, इस पूरी सुई के अंदर मेरे 140 रुपये का फटका लगता है डेली। तो ये संघर्ष तो मेरे को दिखाना ज़रूरी है ना भाई, ऐसे लोगों को क्या पता लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हो बात। खुलता है बंद होता है। कभी न कभी यहाँ से देखेंगे कि कोई लड़का एक इतनी मेहनत कर रहा है, आज दूसरा दिन है, कल तीसरा भी होगा, परसों चौथा भी होगा, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी उन तक बात पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जितने भी सोर्स हैं मैं सारे सोर्स लगा दूँगा अपने, बाकी आई विल ट्राई माई बेस्ट, देन क्या होता है उसके बाद में अपन। एक्टिव तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा दोस्त इसके लिए, क्योंकि 100% काम मैं करूँगा तो 50% आपको भी करना पड़ेगा, उससे ही मैं बिग बॉस OTT में आ पाऊँगा, समझ रहे हो। चलो तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में, अभी के लिए कुछ ना कुछ और नया सोर्स ढूंढते हैं, क्या पता अभी सलमान भाई निकल के आए और मिल ले, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वो दुबई है, कुछ कह रहे हैं कि वो घर में है, कंफर्मेशन नहीं है बिल्कुल भी, देखते हैं क्या होता। रुकी जी फिर आप मेरे को एक ऐसे आदमी मिले जो पता नहीं कौन सी भाषा बोलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आया क्या समझ में तुम्हें कुछ? ओके समझ नहीं सुनो আর দুবাস আর দেশের মধ্যে কি জিনিস চলে গিয়ে আর কি নেবে তো হইছো লাই যাবে সময় দুবাস মধ্যে আই 47 কিলো সামান পাই মেরে কো ভি সমঝ মে নেই আ রহা হ্যায় কে বল রহা হ্যায় বাংলাদেশের মধ্যে এজুকেশন চলে বেশি বাঙালি লাই লোজন যাবো পারফি আমাসে মনে কর বাঙালি বাংলাদেশের 20000 কে কইলা তুই পারফি আমাসে আপকে দেখো কত দূর ব্যাঠা হুম মে ইয়াহ সে দূর ইসলিয়ে কি दूसरा दिन है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते, कल इससे थोड़ा आगे जाएंगे, परसों और आगे जाएंगे, चौथे दिन फिर जाके फ्रंट पे बैठ जाऊंगा एकदम, समझ रहे हो बात। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो मेरे को बुलाएंगे तो मैं लिख के दे सकता हूँ ये चीज जरूर, महादेव पे बिलीव रखो, मेरा तो बिलीव है उन पर, जरूर जाके मिलूंगा। नजरें वहीं टिकी हुई है इसके ऊपर गेट पे, सलमान भाई तुम कहाँ हो? इसको ढूंढो, हाँ इसको ढूंढो,
ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं भैया। तुम ये कौन सी भाषा बोल रहे थे अभी? बांग्लादेश का भाषा बोल रहा हूं। बांग्लादेश बंगाली भाषा है? चलो भाई मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में वापिस। 4:30 हो चुके हैं भाई साहब, यहाँ बैठे बैठे बज चुके हैं 6, और अभी 1 घंटे पहले मैंने एक रील डाली थी, और अच्छा मतलब कि उसमें बताया है मैंने एनजीएस भाई एक सिस्टम करके छोटा सा कमेंट कर दे तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन अब क्या करें, तो संघर्ष चल रहा है। अच्छा गया अपना दूसरा दिन भी, पहला और दूसरा दिन मैं घर से काफ़ी दूर बैठा था, लेकिन अब है जो थोड़े से स्टेप्स बढ़ा देंगे अपन तो थोड़े से पास चले जाएंगे, और फिर क्या है कि उसके मतलब जो गार्ड्स हैं उसकी आंखों में अपन दिखते रहेंगे, तो उनको पता लगता रहेगा कि भाई कोई बंदा है जो राजस्थान से आया है और ये चीज़ कर रहा है, बिग बॉस में आने के लिए ट्राई कर रहा है और इतना संघर्ष कर रहा है। तो कल अपन थोड़े से स्टेप्स बढ़ा देंगे, तो थोड़े से पास में जाके बैठेंगे। तो आज का दिन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, अभी थोड़ी देर बैठा हूँ और मैं यहाँ पे 7:30-8 बजे के आसपास मैं निकल जाऊँगा घर पे। तो आज का दिन भी सुखद और अच्छा था भाई। अब कल से करेंगे जो क्या कहते हैं उत्पात, वो वाली चीज़ उत्पात करना पड़ेगा थोड़ा, नहीं तो फिर क्या है कि मेरी बात वहाँ तक पहुँचेगी नहीं, क्योंकि ये सामने घर है और मैं यहाँ बैठा हूँ, समझ रहे हो। तो छोटा मोटा कुछ उत्पात करना पड़ेगा जब जाके मेरी बात वहाँ पहुँचेगी, जब जाके मेरे को कुछ अप्रूवल मिलेगा। ऐसा सुना है कि भाई एक लड़की आई थी जो 15 दिन तक सलमान खान के घर के गेट के आगे बैठी थी, ठीक है, एकदम गेट के आगे, वो रो ली पिट ली सब कुछ कर लिया भाई साहब, उसको सब कुछ कर लिया, ठीक है, और एट दी एंड क्या हुआ, सलमान खान ने उसको अंदर बुलाया, वो फैन थी सिर्फ और सिर्फ, है बता रहा हूँ मैं आपको, फैन थी मिलने के लिए आई थी, एट दी एंड उसको अंदर बुलाया और उसको खाना खिलाया, पैसे वैसे दिए और फिर उसको भेजा, लेकिन मेरे को ना कोई पैसा चाहिए ना कुछ और चाहिए, मेरे को मिलना तो ज़रूर है भाई से, सलमान सर से मिल के, और जो मेरी बात है कि भाई मैं किस लिए ये संघर्ष कर रहा हूँ वो मेरी बात उनके आगे मैं रखूँगा, जब जाके मेरे को कुछ श्योरिटी मिलेगी कि भाई वो आगे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ है, तो इस बेस पे मैं काम करता रहूँगा जो मेरे को करना है, और वाकई में मेरे को करना है सच में, जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इतना संघर्ष कर रहा हूँ, और मैं ये बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला हूँ, बिना कुछ सोचे समझे तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो आगे भी मेहनत करूँगा और बिल्कुल इस मेहनत पर खरा उतरूँगा, महादेव का आशीर्वाद है साथ साथ। और खुशी की बात ये है कि भाई आकाश पिल्ले जो शाहरुख खान सीरीज पे काम कर रहे थे, उन्होंने मेरी स्टोरी देखी, आकांक्षा पुरी ने मेरी स्टोरी देखी, और सबसे बड़ी बात ये कंगना रनौत जिनको भी लोकसभा का टिकट भी मिला है उन्होंने भी मेरी स्टोरी देखी, तो मैं स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा अगर आपको बिलीव नहीं है तो, बाकी मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे डाला है तो स्क्रीनशॉट मैं इस वीडियो के अंदर भी डाल दूंगा, आप देख लेना। ओके जी, मिलते हैं आपसे वापस। हो चुकी है बहुत प्यारी, और अब अपन निकल रहे हैं यहाँ से घर की तरफ, 7 बज चुके हैं, 2 दिन हो गए मैं 7 बजे के बाद ही निकल रहा हूँ, मतलब 7 बज के एग्जैक्ट टाइम हो चुका है, और अब मैं जाऊँगा घर पे, पहले जाके एक बढ़िया चाय पियेंगे तो फिर जाएंगे अपन आगे। ओके जी, पहुँचते मेरे को करीब 9 बज जाएंगे, समझ रहे हो, 2 घंटे लग जाएंगे पहुँचते, तो अब देखते हैं क्या होता है आगे का सौदा, और बहुत ठंडी हवा आती है भाई साहब 6 बजे के बाद, यहाँ पर पूरा समुद्र दिख रहा है आपको सामने, इतनी ठंडी हवा आती है ना। कल अपन करेंगे ऐसा कि कम से कम एटलीस्ट 10:00 तक तो बैठे भाई,
टेन ओ क्लॉक तक तो आराम से बैठना चाहिए आदमी को जब जाके कुछ बात बनेगी। और ऐसा सुनने में आया कि भाई रात को 2 बजे के करीब यहाँ पे वॉक पे आते हैं सलमान भाई इस ट्रैक पे, इस रोड पे और इस ट्रैक पे मतलब वॉक करते हैं, ऐसा सुनने में आया भाई रात को 2 बजे के आसपास जब कोई नहीं होता है ना बिल्कुल, जब वो बाहर निकलते हैं। कन्फर्म नहीं है लेकिन ऐसा सुना है भाई। और ये जो पार्क है ना आप मेरे पीछे देख रहे हो ये वाला, ये पार्क, इस पार्क में आते हैं ऐसा मैंने सुना है, ये बता रहे थे अभी। बाकी देखते हैं एक दिन ये भी ट्राई करेंगे 2 बजे वाला, उसके लिए अर्ली मॉर्निंग मतलब कि रात को फिर 10 बजे के बाद यहाँ पे आना पड़ेगा। 10 बजे के बाद यहाँ पे आएंगे तो सुबह 6 बजे तक बैठेंगे जब जाके वो मिल सकता है, समझ रहे बात। तो ऐसा कुछ कंसेप्ट करेंगे, अभी 2 दिन हुए हैं, अच्छा जा रहा है मामला अपना, अब थोड़े से धीरे धीरे अपग्रेड हो जाएंगे, तो कल के बाद कुछ नया ट्राई करेंगे। और अभी अपन निकल जाएंगे यहाँ से, 7 बज चुके हैं और उसके बाद जो भी होगा देखेंगे। ओके जी चलो फिर मिलते हैं। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं अपन बांद्रा स्टेशन, और यहाँ से लेंगे अच्छी ट्रेन। तुम्हारे भाई का संघर्ष दिख गया होगा तुम्हें, अभी जस्ट एक रिक्शा से उतरा हूँ और यहाँ पहुँचा हूँ। सर दर्द हो रहा है बहुत भयंकर वाला, अब कल से कुछ नया ट्राई करेंगे। और दूसरी बात ये, कल मैं बहुत ज़्यादा लेट जाने वाला हूँ वहाँ पे, क्योंकि एक आदमी से मैं मिल रहा हूँ जो कि बहुत बड़े अभिनेता है, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ क्योंकि मेरी उनसे पर्सनली बात हुई है। और कल मेरे पास उनका एड्रेस भी आ जाएगा, तो अभी घर जाके बढ़िया पहले तो कपड़े देखने पड़ेंगे भाई सबसे अच्छे, तो कल मैं उनसे मिलने वाला हूँ। और बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है मेरे को। और ये सामने बांद्रा बेस्ट बैंड्स ये स्टेशन, भाई अटक जाता हूँ मैं कभी कभी बोलते बोलते, कैमरा फियर नहीं निकल रहा क्या मेरा, ऐसा थोड़ी हो सकता है यार, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, समझ रहे हो। कितने लोग हैं देखो आस पास, चलो भाई तो आप कुछ नया ट्राई करते हैं कल। आई वेडीज गाइस एक्टिव रहना आप कल, कल एक बहुत अच्छा विस्फोट होने वाला है, मजे आ जाएगा तुम्हें देख के। ओके जी चलो फिर, मेट्रो से अपन पहुंच चुके हैं जेबी नगर, तो यहां से उतर रहे हैं नीचे, फिर जाके ये टिकट दिखाना है। सुबह बांद्रा का तो रिटर्न टिकट लेके आया था मैं, वो पड़ा था मेरे पास, और मेट्रो में रिटर्न टिकट कोई मिलता नहीं है, उसकी दिक्कत हो जाती है। भाई साहब पहले जाऊँगा वॉशरूम, बहुत तेज़ लगी भाई, इतनी तेज़ सुस्सू आ रही ना मेरे को, मैं बता नहीं सकता आपको इतनी तेज़ आ रही है, जल्दी जाके सुस्सू करके फिर मैं जाऊँगा। भाई साहब कहाँ पर है वो भी नहीं पता नहीं। चलो सुसु कर लेते हैं।